हेलो एवरीवन, वेलकम टू नैनास किचन। आज मैं बनाऊंगी नारियल के लड्डू। नारियल के लड्डू एक ऐसे वे में जो आप खाओगे तो खाते ही रह जाओगे। सिर्फ इसके लिए आपको सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स चाहिए और मैं आपको बताने जा रही हूँ कि वो इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। इसके लिए आपको पूरी वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है, मेरी पूरी वीडियो देखना एंड तक, और आपको पता चल जाएगा कि ये कितना ईजी वे में बनाए हैं मैंने, घर में ही बनाए हैं, और आपको बाहर से मिठाई लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं है ये वाले लड्डू बनाने के बाद। इस कोरोना के टाइम पे कोई नहीं चाहेगा कि वो बाहर की मिठाइयाँ लें, बाहर की मिलावट वाली मिठाइयाँ लें, तो ये जो मैंने लड्डू बनाए हैं सिर्फ 3 चीज़ों से बनाए हैं। तो आप इसके लिए मेरी पूरी वीडियो देखते रहिए, मैं बार बार बोल रही हूँ सिर्फ 3 चीज़ों से ये मैंने लड्डू बनाए हैं। तो देखिए ये लड्डू कितना अच्छा बना है, कितना ज़्यादा सॉफ्ट लड्डू बनाया है, देखिए कितना अच्छा लड्डू है। खुशबू भी बहुत अच्छी आई थी जब मैंने इसको बनाया था, खाने में भी बहुत टेस्टी बना है। तो आप ये जब अपने भाइयों को खिलाएंगे, आपके भाई बाहर की मिठाई खाना भूल जाएंगे और बोलेंगे बहन हर बार मुझे यही वाली मिठाई चाहिए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। एक कढ़ाई में मैंने 1 बड़ा चम्मच घी का लिया है, घी को मेल्ट होने देंगे। देसी घी मेल्ट हो चुका है, इसमें मैं 250 ग्राम नारियल का पूरा डालूंगी। अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा सा पकाएंगे, बिल्कुल फ्राई नहीं करना है, बस थोड़ा सा इसको पकाना है। देसी घी अच्छे से मिक्स हो चुका है इसमें और इसका मॉइस्चर भी निकल चुका है। अब हम इसमें दूध डालेंगे। आधा कटोरी मैंने दूध लिया है, आधा कटोरी हम इसमें दूध डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे दूध डाल के। अब मैं इसमें 1 कटोरी चीनी डालूंगी। 250 ग्राम मैंने नारियल का पूरा लिया है और 1 कटोरी चीनी डालेंगे। चीनी को अच्छे से मिक्स करेंगे। मैंने लो फ्लेम पर ही इसको पका रही हूँ मैं। पूरा अच्छे से इसको मिक्स होने देंगे। अगर आपके घर में मिल्क पाउडर अवेलेबल है तो आप मिल्क पाउडर डाल देना, मैं आधा कटोरी मिल्क पाउडर डाल रही हूँ इसमें। अगर मिल्क पाउडर नहीं है तो भी चलेगा, मिल्क पाउडर डालने से मावे जैसा टेस्ट हो जाता है बिल्कुल, और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इसका, इसलिए मैं मिल्क पाउडर डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आपके घर में अवेलेबल ना हो तो आप इसको स्किप कर सकते हो। इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक चीनी अच्छे से इसमें मेल्ट ना हो जाए। ज़्यादा देर नहीं लगेगी इसको पकाने में, बहुत ही टेस्टी मिठाई बनने वाली है ये। मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि इस राखी पर आप बाहर की मिठाइयाँ ना लें और यही मिठाई घर पर ट्राई करें। आप देख सकते हो ये मावा टाइप बन गया है बिल्कुल। मैंने इसमें कलर भी ऐड कर लिया, आपकी चॉइस है कलर ऐड करना। अगर आपके पास कलर नहीं है तो आप कलर स्किप भी कर सकते हो। ये बिल्कुल रेडी हो चुका है मावे की तरह। अब हम इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। इसको इस तरह से एक बर्तन में फैला लेंगे, खुले बर्तन में, और ठंडा होने के लिए रखेंगे थोड़ी देर के लिए। तो मैंने इसको इस तरह से एक बर्तन में निकाल लिया है, ठंडा होने के लिए हम इसको रूम टेम्परेचर में रखेंगे। अभी अच्छे से ठंडा हो चुका है, हम इसके लड्डू बनाएंगे। ऐसे इस तरह से छोटा सा ले, थोड़ा सा लेंगे इसको हाथ पे, इकट्ठा करके इस तरह से गोल गोल घुमाते जाएंगे। और ये गोल गोल लड्डू की शेप ले लेंगे, देखिए बिल्कुल गोल बन गया है ये। इस तरह से हमें लड्डू बनाने हैं।
इस तरीके से सारे लड्डू मैंने बना लिए हैं बिल्कुल गोल गोल, आपको भी इसी तरीके से बनाना है। अब हमें क्या करना है, एक कटोरी में हम नारियल लेंगे, सूखा नारियल लिया है मैंने। सूखे नारियल को हम एक लड्डू उठाएंगे और इसको इस तरह से रोल करते जाएंगे, ये अपने आप नारियल का पूरा इस पर चिपकता जाएगा। इस तरह से हमें सारे नारियल बनाने हैं, सभी लड्डुओं पे नारियल का पूरा चिपकाना है। बिल्कुल मार्केट वाला लुक आ रहा है, देख सकते हो आप। मार्केट में यही लड्डू लेने जाओगे तो कम से कम 500 रुपए के एक किलो मिलेंगे। बहुत इजी वे है लड्डू बनाने का, कितना सिंपली भी मैंने रेडी कर दिया राखी के लिए, कितनी सिंपल मिठाई मैंने बनाई है। तो ये बिल्कुल रेडी हो गए हैं, बहुत ही सुंदर कलर है, बहुत ही सुंदर शेप है। कलर मैंने अपने हिसाब से डाला है, आपको जो कलर पसंद हो आप कलर वो ऐड कर सकते हो इसमें। आप चाहो तो वाइट कलर के नारियल के लड्डू भी बना सकते हो। कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं ये बनकर, मुझे तो नहीं लगता कि आपके भाई ये वाले लड्डू खाने के बाद बाहर की मिठाई खाना पसंद करेंगे। इतना सॉफ्ट लड्डू बना है, इतना सुंदर लड्डू बना है, ये देखिए सारे लड्डू बनकर बिल्कुल तैयार हो गए हैं। अब मैं इसमें ऊपर से बादाम लगा दूँगी, ये भी ऑप्शनल है टॉपिंग के लिए। आप इसमें गुलाब की पत्तियाँ भी लगा सकते हो, पिस्ता भी लगा सकते हो, काजू भी लगा सकते हो, वो आपकी अपनी चॉइस है, बिल्कुल ऑप्शनल है ये चीज़। बादाम को मैंने आधा काट लिया है और आधा काटने के बाद इसकी टॉपिंग बना दिया है। आप चाहो तो इसी बादाम के चार टुकड़े भी कर सकते हो और उनको भी लगा सकते हो, आप चाहो तो बिल्कुल क्रश करके वो भी लगा सकते हो। तो नारियल के लड्डू बनकर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। ये लड्डू इतने इजी वे में मैंने बनाए हैं, सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं इसके अंदर। आप इनको ज़रूर बना के देखना, आपके भाई ये खाकर बहुत ज़्यादा खुश होंगे, बाजार की मिठाई खाना भूल जाओगे आप जब ये वाले लड्डू बना लोगे एक बार। और मैं नहीं चाहती कि इस कोरोना के टाइम में कोई भी बाहर का खाना खाए, मैं क्या कोई भी नहीं चाहता, मैं नहीं चाहती कोई बाहर की मिठाई खाए, किसी के घर में किसी का भाई नहीं चाहता होगा कि उसकी बहन बाहर की मिठाई लेके आए। तो मैं चाहूँगी कि हर बहन अपने घर में ये मिठाई बनाए और मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताए कि आपको ये डिश कैसी लगी है मेरी। मैं और स्वीट डिशेज़ के साथ जल्दी वापस आऊँगी, तब तक के लिए थैंक यू। मेरा चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशंस मिलते जाएं उसके, और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तब तक के लिए बहुत सारा थैंक यू।